हेलो दोस्तों, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है बराबर मीटियोर का। जब भी डिलीवरी लेते हैं उसका इंस्पेक्शन कैसा करेंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। छोटा व्लॉग करूंगा, जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, तो सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों बेसिकली जब भी मीटियोर खरीदा, मैंने जब भी खरीदा था मैंने दो तीन चीज देखा था। लेकिन दोस्तों क्या है कि उस टाइम पे ना बहुत एक्साइटेड रहते, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो उस वजह से ना हम लोग ये जो चीज है ना वो भूल जाते, देखते नहीं है, कुछ भी ध्यान नहीं देते। कौन कौन मेरी बात से सहमत है प्लीज कमेंट कर देना, ओके। तो बेसिक क्या है कि उस वजह से ना हम लोग ना इतना खुश रहते तो ये सब चीज नहीं देखते। उसमें क्या रहता है, मैंने क्या देखा था जब भी मैंने मीटियोर का डिलीवरी लिया था, तो मैंने क्या देखा था, बेसिकली मैंने देखा था कि फर्स्ट चीज यानी कि जो अपना मीटियोर में जो मैंने एसेसरीज बोला था वो सब एसेसरीज लगा है कि नहीं, पहला चीज वो देखा था। सेकंड चीज मैंने ये देखा था कि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके सब लाइट्स चल रहे कि नहीं, फिर बाद में DRL चल रहा है कि नहीं, फ्रंट जो अपना हेडलाइट है वो चल रहा है कि नहीं, टेल लाइट चल रहा है कि नहीं, ब्रेक लाइट चल रहा है कि नहीं, वो सब कुछ देखा था। चीज मैंने जो देखा था वो था कि बेसिक चीज मैं बोलता हूँ दोस्तों कि जब भी मैंने मेरा गाड़ी आया था, वो गाड़ी लेने आने के बाद, शोरूम में आने के बाद मैंने डिलीवरी लिया था अराउंड 12 डेज के बाद, तो मैंने पहले जाके गाड़ी देख के आया था कि गाड़ी आया है तो कैसा दिखाई दे रहा है करके। तो जब भी मैंने गाड़ी देखने के लिए गया था तब भी मैंने देखा था कि इंजन से ऑयल लीक हो रहा था, तो मैंने जाके उन लोग को बोला था कि जरा देख लेना क्योंकि गाड़ी से इंजन से ऑयल लीक हो रहा है, अगर इंजन से ऑयल लीक हो रहा है तो मैं डिलीवरी नहीं लूंगा। तो उन्होंने बोला था नहीं सर, गाड़ी का ट्रांसपोर्ट किया है ना, तो ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे ये सब कुछ हुआ रहेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम रिजोल्व करके हम लोग देंगे। तो जब भी मैंने गाड़ी लिया तब भी देखा तो इंजन ऑयल वगैरह कुछ लीकेज नहीं था, फिर गाड़ी चला के देखा। बेसिकली क्या है दोस्तों कि जब भी हम लोग गाड़ी लेते हैं ना तो हम लोग बहुत सारा चीज ध्यान में रखते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जब भी कौन सा चीज अपनी तरफ से छूट जाता है तो वो बेसिकली करके देते हैं, ऐसा नहीं कि करके नहीं देते, करके देते हैं। जो शोरूम वाले हैं और सर्विस सेंटर में अपना काम करके देते हैं। अपनी गाड़ी की डिलीवरी होती है ना दोस्तों, यानी कि जब भी कंपनी से आती है, इन लोग बोलते हैं कि कंपनी से ही सब पूरा फिटिंग होके आएगा, कुछ भी नहीं रहता है। जो शोरूम वाले बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं आपको, कुछ भी नहीं फिटिंग होके आता है। फिटिंग होके क्या आता है आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने मेरा गाड़ी जो आया था मैंने भी कस्टमाइज किया था, तो मुझे लगा था कि ये सब कुछ फिटिंग होके आता है करके, कुछ भी नहीं आता है। फिटिंग होके क्या आता है, आपका फुटपेग जो अगर आप ऑर्डर करते हो तो फुटपेग फिटिंग होके आता है, और दूसरा चीज यानी कि सीट, अगर आप टूरिंग सीट बिठाते हो नहीं तो लो हाइट वाला सीट बिठाते हो तो वो कंपनी फिटेड आता है, कंपनी से वो फिट करके आता है। बाकी का आप लेग गार्ड लो, बाकी का सब चीज विंडशील्ड हो गया, ये हो गया, वो सब चीज इधर आके फिट होता है, यानी कि जिधर डिलीवरी होगा उसका शोरूम का जो सर्विस सेंटर है उधर सब फिटिंग होता है। तो मैंने एक चीज में गलती ये कर दिया था कि जब भी आप डिलीवरी लेंगे तो जो भी चीज है उसको थोड़ा सा नॉक करके देखना, क्योंकि जो फिटिंग करते हो वो इधर ही करते, तो नॉक करके देखना। क्यों मालूम है क्या, क्यों मेरा जो विंडशील्ड था उसका जो नट था वो गिर गया था, और नट गिरने के वजह से ना वो जब भी मैं गाड़ी चलाता था ऑफ रोडिंग आता था नहीं तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम पैच हो गंदा पैच आता था, तो वो जो विंडशील्ड था वो थोड़ा सा आवाज करता था टक 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 टक, तो उस वजह से ना मुझे बहुत दिक्कत होती थी, बहुत इरिटेशन होता था। उन्होंने फिक्स करके दिया लेकिन वो दूसरा ही कौन सा तो जुगाड़ वाला स्क्रू यूज किया, क्योंकि उधर जो नट आता है, नट और बोल्ट आता है, वो आपको मिलेगा नहीं रॉयल एनफील्ड में, बहुत छोटा आता है। भले दोस्तों हम मैं कितना भी बोलूं कि इंस्पेक्शन करना चाहिए ये सब चीज का, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज है उनका इंस्पेक्शन करना चाहिए, लेकिन वो लेने के टाइम पे ना, गाड़ी लेने के टाइम पे हम लोग इतना सब कुछ नहीं देखते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और दूसरा चीज, लॉकडाउन तो इधर पुणे में चालू हो गया है लेकिन मेरा काम है कि मुझे ड्यूटी पे जाना पड़ता है, तो मैं जाऊंगा तो शायद से मैं एक दो वीडियो शूट कर सकता हूँ, तो देखता हूँ अगर कुछ पॉसिबल होता है तो मैं कर दूंगा, क्योंकि अभी ये जो DSLR है ना उसका बैटरी का कुछ तो इश्यू हुआ है, तो शायद से मुझे जो भी वीडियो शूट करना पड़ेगा वो एक तो फ़ोन में से नहीं तो फिर अपना SD कैम उसमें से करना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, तो
तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।